हाय गाइस, सबका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme 2 Pro के 8GB RAM 128GB वाले वेरिएंट की। सबसे पहले हम इसके अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कि इसके अंदर हमें बॉक्स कंटेंट में क्या क्या डिफरेंट चीजें मिलती हैं, और उसके बाद 8GB RAM वाले को हम कंपेयर करेंगे आपके 4GB RAM और 6GB RAM वाले वेरियंट के साथ, ताकि हमें पता चले कि परफॉर्मेंस वाइज कौन सा डिवाइस इनमें से बेटर है और आपको किसके लिए जाना चाहिए। तो आइए जल्दी से हम इस बॉक्स को खोलते हैं। सबसे पहले तो हम डिवाइस की तरफ देखेंगे। अब मेरे पास इसका तीसरा कलर आ चुका है, जो कि है ब्लैक सी। सो ये रहा हमारा डिवाइस। ये है हमारे ब्लैक कलर का, लेकिन मेरे पास इसके जैसे कि दोनों बाकी के कलर्स हैं, तो आप देख सकते हैं ओशन ब्लू कलर, आइस ब्लू कलर और ब्लैक सी कलर। तीनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप तीनों में से वो ले सकते हैं। वैसे मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे इसका आइस ब्लू कलर ज्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। ये थोड़ा यूनिक सा लगेगा और काफी स्टाइलिश लग रहा है। इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो 156.7 इसकी हाइट है, 74mm इसकी विड्थ और 8.5mm इसकी थिकनेस, और ये डिवाइस हमारा 174 ग्राम्स का है। इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, जिसको आजकल फाइबर ग्लास कहा जाता है, और ये डिवाइस आपका हैंडी है, आप इसको इजिली एक हाथ से होल्ड करके यूज कर सकते हैं। डिवाइस के फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन है, और नीचे की साइड हमारे पास स्पीकर है, साथ में माइक्रो यूएसबी पोर्ट, साथ में माइक, और उसके साथ 3.5mm हेडफोन जैक। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, टॉप साइड में हमारे पास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास सिम स्लॉट है, जो कि हमारा ट्रिपल स्लॉट है। आप इसके अंदर दो सिम कार्ड साथ में एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं 256GB तक का। उसके नीचे वॉल्यूम रॉकर्स, बैक बॉटम में हमारे पास रियलमी की बैजिंग है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर, और उसके साथ डुअल कैमरा सेटअप है LED फ्लैश के साथ। और साथ ही मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि इसके अंदर हमें नोटिफिकेशन लाइट मिलती है या नहीं, तो हमें इसके अंदर नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती। अब आइए जल्दी से इसके बॉक्स कंटेंट पर नजर डाल लेते हैं। ये हमारी इंजेक्शन पिन, साथ में ये है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, और ये है हमारा बैक केस, जो कि डिवाइस के ऊपर काफी सही लग रहा है, और साथ ही आपका जो स्क्रीन गार्ड है वो डिवाइस के ऊपर लगा हुआ है। ये है हमारा ट्रेवल अडेप्टर, जो कि 10 वॉट का चार्जर है, और उसके साथ डिवाइस के अंदर आपको 3500mAh की बैटरी मिलती है, और उसके साथ ये हमारी माइक्रो यूएसबी केबल। बॉक्स कंटेंट बिल्कुल सेम है, जो कि हमारे 4GB में थे, 6GB में था। मेरे को लगता है कि जैसे ये हमारा 18,000 रुपये का डिवाइस है, तो इस हिसाब से फास्ट चार्जर तो कंपनी इसके अंदर डाल ही सकती थी, या फिर ईयरफोन्स दे देती। खैर कोई नहीं, आगे देखते हैं परफॉर्मेंस वाइज क्या डिफरेंस मिलता है। अब आइए जल्दी से इस डिवाइस को स्विच ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें 6.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन मिलता है, जो कि देखने में बहुत प्यारा नजर आता है, लेटेस्ट एकदम, और उसके साथ फुल HD प्लस स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलती है 409 PPI के साथ, साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। अब हम इन तीनों डिवाइसेस का 4GB, 6GB और 8GB तीनों का एंटीटू बेंचमार्क को निकाल लेते हैं, देखने के लिए कि किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया आती है। साथ ही मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बता देती हूँ। हमें इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, उसके साथ एडिनो 512 के ग्राफिक्स, साथ में कलर्स OS 5.2 का इंटरफेस, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 8.1 पे। और अब आप देख सकते हैं हमारा एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आ गया है, और ये काफी अजीब सा स्कोर आता है हमेशा ही। मैंने कई सारे डिवाइसेस का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर निकाला है और सबका अजीब आता है। हमारे 4GB और 8GB का एक ही स्कोर आया है 1,33,000, और जो हमारा 6GB RAM वाला है उसका स्कोर आया है 1,31,000। ये चीज मुझे सही में समझ में नहीं आती। कई बार ऐसे होता है कि 4GB का 6GB से हमेशा हायर आता है। वैसे मैं जल्द इन तीनों का कंप्लीट परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगी, ताकि हमें डिटेल में पता चले कि कौन सा डिवाइस हमारा बेटर है। साथ ही हम 8GB RAM वाले का एक्सट्रीम गेमिंग रिव्यू भी मैं जल्द करूंगी। बाकी दोनों का 4GB और 6GB का तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आपको इनका गेमिंग रिव्यू देखना है तो वो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, TNG गेमिंग पे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा 4GB और 6GB वाला वेरिएंट है, इसके अंदर आप EMMC इंटरनल मेमोरी मिलती है, और 8GB वाले के अंदर आपको UFS 2.1 की इंटरनल मेमोरी मिलती है,
जो कि फास्ट है। आपके 8GB रैम वाले वेरिएंट के अंदर जितने भी आप फाइल स्टोर करेंगे, चाहे वो बड़ी मूवीज हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कोई फाइल्स हो, पिक्स हो, वो बहुत ही जल्दी स्टोर होंगी, बहुत ही जल्दी प्ले होंगी। इसकी वर्किंग थोड़ी ज्यादा फास्ट है बाकी दोनों से। अब आइए जल्दी से डिवाइस के कैमरा पे नजर डालते हैं। बैक में हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का। 16 वाले का अपर्चर 1.7 है और 2 वाला हमारा डेप्थ सेंसर वाला कैमरा है। पिक्स आप देख सकते हैं, इसकी पिक्स काफी अच्छी आती हैं, कलरफुल आती हैं, ब्लरिंग इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है हमें इस डिवाइस में और शार्पनेस अच्छी आती है पिक्स की, कलर्स एकदम वाइब्रेंट नजर आते हैं। और जो हमारा फ्रंट कैमरा है वो हमारा AI बेस्ड कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, उसकी पिक्स भी बहुत ही बढ़िया है। चाहे आप नॉर्मल मोड देखें, ब्यूटी मोड देखें, बुके मोड देखें या इसके स्टिकर्स देखें, आपको मजा आ जाएगा इस डिवाइस में पिक लेने में। अब आइए डिवाइस के फेस अनलॉक को ट्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका फेस अनलॉक फास्ट है, बहुत ही जल्दी हमारे डिवाइस को खोल रहा है और फिंगरप्रिंट लॉक भी फास्ट है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है दोनों ही लॉक्स की। साथ ही आपको इस डिवाइस के अंदर वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ 5, OTG सपोर्ट, साथ में सेंसर्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी और कंपास मिलता है। सो गाइस, ये था हमारा Realme 2 Pro 8GB रैम वाला। ये हमारा 18,000 रुपए का डिवाइस है, 4GB रैम वाला हमारा 14,000 रुपए का है और 6GB रैम वाला हमारा 16,000 रुपए का। अगर आपको Realme 2 Pro ही लेना है तो मेरी माने या तो आप इसके 4GB रैम वाले के लिए जाएं या फिर आप इसके 8GB रैम वाले के लिए जाएं। 4GB में आपके 14,000 रुपए का पड़ेगा तो प्राइस वाइज बढ़िया हो गया और 8GB रैम वाला आपका परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया रहेगा इन दिनों में, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। 6GB रैम में इतना कोई मजा नहीं है। और साथ ही लेना है तो इसके आईसी ब्लू कलर के लिए जाए, वो एकदम यूनिक लगेगा आपके हाथ में होल्ड करने में। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सर्च चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।